Well, hello there. आप सभी का स्वागत है हिंदी डॉक्स फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर मैं एक चीज़ लाइक ढूंढ के लाया हूँ, डिस्कवर करी मैंने यूट्यूब के अंदर, तो उसी के बारे में बताऊंगा। एंड ये डार्क वेब से किस चीज़ में रिलेटेड है एंड क्या ये चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे तो मैं आज की वीडियो में। ये फुल स्टॉप पंक्चुएशन का एक सीक्वल मान लो वो बोल सकते हैं। सो वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट रही है कि अगर आप सभी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है एंड इसके अंदर दिखाई गई कोई भी चीज़ किसी भी इलीगल कामों को प्रमोट नहीं करती। सो मेक श्योर यू नो कि डार्क वेब एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है एंड इससे हम जितना दूर रहे वही हमारे लिए सही रहेगा। सो विद ऑल दैट बीइंग सेड हम शुरू करने वाले आज की नई वीडियो जो कि है डार्क वेब फुल स्टॉप पंक्चुएशन। तो मैंने तुम्हें कितनी बार बता रखा है कि फुल स्टॉप पंक्चुएशन एक ऐसी जगह है जो कि यूट्यूब का आर्काइव है। बेसिकली इसके अंदर हमें ऐसी स्पैम वाली वीडियोस मिलती है जो कि हम सभी जाना प्रेफर ना करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहती है। अब डिस्टर्बिंग तो रहती है ये, बट उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहती है। तो मैं कुछ टाइम से यूट्यूब के अंदर सर्फ कर रहा था एंड उसके अंदर जाके मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो कि सुन के और देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। अब ये इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा हूँ अभी भी इस चीज़ को सर्व करने में। तो ये YouTube पे एक चैनल मिला था मुझे, बहुत ज़्यादा यूनिक है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल नहीं सकता ऐसे, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकता है, बट मैं इन अ वे नाम बता सकता तुम सभी को एंड कुछ चीज़ें लाइक स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ। सो इस चैनल का नाम है मसल मैन ऑन कैमियो। एक बहुत ज़्यादा वियर्ड चैनल है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें लगी मुझे इसके अंदर एंड मुझे लगा कि एक डार्क वेब से रिलेटेड चीज़ भी है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे रहस्यमय चैनल्स देखे हैं जिसके अंदर मतलब ऐसी डिफरेंट चीज़ें आती जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक चैनल के ऊपर है एंड जो डार्क वेब और लाइक यू नो फुल स्टॉप पंक्चुएशन के अंदर डिस्कवर होता है। तो ये एक्चुअल में फुल स्टॉप पंक्चुएशन का पार्ट है, क्योंकि मैंने जब फुल स्टॉप दबाया था तब मुझे एक्चुअल में सर्च लिस्ट के अंदर ये मिला था। तो इस चैनल के अंदर एक्चुअल में 11 वीडियोज़ हैं, तो मैं अगर इसे सर्च करूँगा तो एक्चुअल में ये चैनल नहीं आएगा, बट इसके अंदर मैं अगर जाके देखता हूँ चैनल फिल्टर में डाल के तो एक्चुअल में चैनल मुझे मिल जाएगा। इसके ऑलमोस्ट 171 सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 200 के आसपास। एंड ये शॉर्ट्स तो डालता है वो सही है, मतलब कुछ चीज़ें नॉर्मल करता है, बट ये जो चीज़ें खाता है, ये मुकबैंक जो हमें देता है वीडियोस में कंटेंट में, उसके अंदर ये 4 वीडियोस ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मेरी लाइक यू नो मेरी विजन में। अब पता नहीं कुछ लोगों को डिस्टर्बिंग लगेगी नहीं, कुछ लोगों को नकली लगेगी, बट ये एक्चुअल में सिगरेट्स लिटरली स्वॉलो करता है। लिटरली ये बंदा एक्चुअल में सिगरेट्स स्वॉलो करते हुए इसकी एक वीडियो है एंड इसके अंदर इसने एक्चुअल में 2 दिन पहले डाली है। तो ये रिसेंटली लाइक एक कॉन्टेंट है जो कि नया नया चल रहा है, शायद 1 हफ्ता हो गया इस चीज़ को एंड ये नया नया अभी चला नहीं है, बट चल सकता है। तो ये बेसिकली ये बंदा एक्चुअल में 3 जला के सिगरेट एक साथ स्वॉलो कर रहा था एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा। एंड ये फुल स्टॉप पंक्चुएशन में एक्चुअल में फीचर हुआ था थोड़े दिन के लिए, आई थिंक 2 दिन के लिए हुआ था इसका चैनल पहले, और इसने लाइक 1 हफ्ते पहले वीडियो डालना शुरू करा था। तो इसकी कुछ वीडियोस हिडन है, आई डोंट नो व्हाई, शायद शॉर्ट्स में काउंट हो गई है, अदरवाइज उसकी मेन वीडियोस में सिर्फ 4 वीडियोस है अभी तक, उसमें से लाइक एक रिएक्शन है और 3 ऐसी अजीबोगरीब वीडियोस है जो कि फुल स्टॉप पंक्चुएशन के आर्काइव में आनी बनती ही है। मतलब हमने देखा है फुल स्टॉप पंक्चुएशन में इतनी सारी डिस्टर्बिंग वीडियोस है, तो ये तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मतलब इमैच्योरिटी भी होगी, बट ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एक तरह से। तो मुझे खाता हुआ देखोगे ना ऐसे लाइक, तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसको हेट पहुँचाओ या कुछ भी, अब मेरी जो कॉन्स्पिरेसी उसकी तरफ चलते हैं। कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती है कि ये एक्चुअल में किसी यू नो डार्क वेब के इन्फ्लुएंसर से शायद इन्फ्लुएंस हो गया हो, या इसको कुछ लाइक प्रॉब्लम हो गई हो, या फोर्स कर रहा है कोई से ऐसी चीज़ें खाने में। तो इसकी लाइक वीडियोज़ में ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, बट ये बहुत टाइम से खा रहा है, इसने ऐसा भी कहीं किसी एक वीडियो में बोला था, तो ये बहुत नॉर्मल है इसके लिए ऐसा लगता है। एंड किसी ने इसके या रिसेंट वीडियो में कमेंट भी करा था कि प्लीज़ ये खाना छोड़ दो, मैं ज़्यादा वीडियोस देखूंगा तुम्हारी एंड ऑल दैट, बट इससे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, शायद वो प्रेशराइज हो रहा है किसी डार्क वेब की यू नो कम्युनिटी से, या डार्क वेब नहीं किसी भी इंटरनेट की ऐसी कम्युनिटी से जो उसे फोर्स कर रही है, एक तरह से कल्ट हो सकती है जो कि इन सब उल्टी सीधी चीज़ों को खाने में प्रमोट करती है। एक तो होता है नॉर्मल मुकबैंग, एक होता है थोड़ा सा यू नो मेस करने वाला मुकबैंग जिसके अंदर चीज़ खाते लोग हर जगह फैला देते हैं, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइंग लगता है, वियर्डली मुझे थोड़ा अजीब लगता है, बट ये हद कर दी है, इसमें ये चीज़ें खा रहा है जो कि एडिबल ही नहीं है। इसके अंदर एक वीडियो थी जिसके अंदर इसने ईटिंग टॉयलेट पेपर विद हर चीज़ चॉकलेट सिरप, मतलब हद होती है किसी भी चीज़ की।
एक में तो ये बंदा ड्राई आइस खा रहा है, तो ऐसे में लाइफ का कोई भरोसा नहीं है इसकी, क्योंकि यू नो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें खा रहा है ये, वैसे लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है ये चीज़ें, एंड इसकी तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है इस चीज़ में अगर ये लेजिट है। तो प्लीज़ यूट्यूब में आके ऐसी चीज़ें तो मत करो, नहीं तो एक तरीके से ये यूट्यूब की गाइडलाइंस को भी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है, एंड ये मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, मतलब वन ऑफ द वियर्डेस्ट चैनल है, एंड लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है एंड दे एक्चुअली लाइक इट, बट किसी को इम्पर्सनेट नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, या ट्राई नहीं करना चाहिए इस चीज़ को घर पे, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा महंगी साबित कर सकती है। सो ये वन ऑफ द यूट्यूब आर्काइव्स था फुल स्टॉप पंक्चुएशन के ऊपर, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर मैंने कितनी बार एक्सप्लेन करा है। तो आज की वीडियो मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं, उसके साथ एक वियर्ड चैनल को तुम्हें दिखाते हुए वीडियो बनाई है, जिसके अंदर एक्चुअल में कुछ वियर्ड चीज़ें हो रही है डार्क वेब से, एंड वो मुझे लगता है कि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है इसको। बाकी नॉर्मल उसका अगर ऐसी हॉबी रहेगी जो कि एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्रीपी एंड वियर्ड है मेरे हिसाब से। सो यस, सो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर देना चैनल को विद द बेल नोटिफिकेशन ऑन, एंड ऐसी और भी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, एंड थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई करूँगा रेगुलर रहने की, ताकि मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस गेन हो। सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कॉमेंट करना कि तुम क्या चाहते हो मैं कौन सी वीडियो पर काम करूँगा। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर क्रीपी टॉपिक्स, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।